नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे। लोअर पार्ट में लोकेटेड है हमारा ब्रेन, उसके बारे में, जो ब्रेन का टोटल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लोअर पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो इसीलिए से रोम्ब एनसेफेलॉन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन का वर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी ब्रेन का जो लोअर पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, रोम्बेन मीन्स लोअर या फिर हाइंड, तो पीछे का पार्ट के बारे में स्टडी कर रहा है। यानी कि हाइंड ब्रेन जो स्ट्रक्चर जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उस समय ये वर्ड यूज किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जब वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, जब बर्थ हो जाता है, तो उस समय इट विल बी कम्पोज्ड ऑफ वेरियस अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि हाइंड ब्रेन विल बी कम्पोज्ड ऑफ पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबलम। तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं, क्या क्या है? पॉन्स, मेडुला और सेरिबलम। इस डायग्राम में जो ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ, दिस इज द पॉन्स, ये मिड ब्रेन वाला एरिया है, दिस इज द मिड ब्रेन एरिया। नीचे क्या प्रेजेंट है? पॉन्स, और उसके नीचे प्रेजेंट है मेडुला, फिर वो मेडुला विल फर्दर बी कंटिन्यूड इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह ये इसके ऊपर कवच बना रहता है, ब्रेन का जो स्कल है यहाँ पे ओपनिंग रहता है, जिसको मेडुला ओब्लोंगाटा जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे एक ओपनिंग बना होता है, फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, उसके थ्रू एक जो मेडुला कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, तो इट विल बी देन कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इसमें क्या क्या है? पॉन्स आएगा, मेडुला आएगा और तीसरा इज सेरिबेलम। तो तीन चीज याद रखना है। चलिए विल डिस्कस ऑल दिस थ्री वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग पॉन्स की बात करते हैं। पॉन्स का मतलब क्या होता है? ब्रिज। पॉन्स वर्ड स्टैंड्स फॉर ब्रिज। पॉन्स का मतलब ही होता है ब्रिज, यानी कि ब्रिज है, किसके बीच किसी को कनेक्ट करेगा। ब्रिज का क्या फंक्शन होता है? कोई भी चीज नदी के इस पार से उस पार को कनेक्ट करता है, ब्रिज है ना, या तो इस किसको कनेक्ट करेगा ये बताइए। नीचे कौन से है? मेडुला। ऊपर क्या है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और मेडुला को कनेक्ट करेगा, और पीछे सेरिबलम से भी कनेक्टेड रहेगा, तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, तो इसीलिए इस ब्रिज को क्या बोला जाता है? पॉन्स। पॉन्स इज कॉल्ड एज द ब्रिज ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, पॉन्स का दूसरा नाम पॉन्स वेरोलाई भी है। पॉन्स वेरोलाई कहा जाता है साइंटिस्ट वेरोलियस से, कॉन्स्टेंजियो वेरिलियो उन्हीं के नाम पे ये दिया हुआ है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉन्स वेरोलाई। ये हम लोगों को याद रखना है। इसका फंक्शन मेन क्या है? जो पॉन्स रहता है इट विल कनेक्ट ऊपर में, जैसे कि क्या है ऊपर में प्रेजेंट है जो भी मिड ब्रेन है, थैलेमस वगैरह है। ठीक है, तो मिड ब्रेन वाला पार्ट है, और नीचे क्या प्रेजेंट है? मेडुला। ठीक है, और साइड में क्या है? सेरिबेलम। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो बीच का जो यहाँ पे क्या बना हुआ है? पॉन्स है ना। पॉन्स क्या है? ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो जो भी इसमें एक्सॉन फाइबर्स, जिसको कि कलेक्शन को क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ट्रैक, तो ये जो भी ये सिग्नल, ये इम्पल्स, जो भी नर्व इम्पल्स नीचे इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसका एक ब्रिज का काम करेगा। तो मिड ब्रेन को संदेश पहुंचाएगा और मेडुला से संदेश लाकर मिड ब्रेन को पहुंचाएगा, तो बाकी जितने भी बॉडी से आ रहा है वो इससे होकर गुजरेगा, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड एज ब्रिज। सिमिलर सेंसरी ऊपर की तरफ जाएंगे, सेंसरी ट्रैक्ट ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो भी मोटर इम्पल्स लेकर जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आप हमें याद रखना है। तो इसी पे बेसिस पे इसका फंक्शन भी है ना, फंक्शन जो इसमें कुछ सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, रेस्पिरेशन के सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, तो ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, एप्न्यूस्टिक सेंटर्स होता है, जो कि रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, हमारे ट्रांजिशन में हेल्प करता है, इनहेलेशन से एक्सहेलेशन को में जो ट्रांजिशन होता है, जो बदलते हैं वो उस ट्रांजिशन पीरियड को वो कंट्रोल करता है। फर्दर डिटेल्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, यू कैन गो इन टू द प्ले लिस्ट एंड सी फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और फंक्शंस क्या है इसके? इनवॉलेंट्री एक्शंस है, सेंसरी रोल है, हियरिंग में, इक्विलिब्रियम में, टेस्ट में। ठीक है, फेशियल सेंसेशन भी लेके आता है, जैसे कि टच और पेन का सेंसेशन लेकर आता है, और मोटर रोल। मोटर रोल मतलब कि कोई भी मूवमेंट कराएगा ना, वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे कि आई वगैरह का, फेस का एक्सप्रेशन का मूवमेंट, फेस के जो मसल्स है उसका मूवमेंट कराएगा, जैसे चूइंग हो गया, स्वेलोइंग है ना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया,
तो ये सब इन्वॉलेंट्री और कुछ इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स का भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ पॉन्स, ठीक है। याद रखना है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर्स जो ग्रीन कलर के मार्क्ड है, दीज आर द टू सेंटर्स जो लोकेटेड होते हैं जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। और पॉन्स जनरली क्या होता है, जब कोई भी जनरेटिंग है ना, जो सोते हैं तो ड्रीम लेते हैं, तो उससे भी रिलेटेड इसका फंक्शन देखा गया है। और स्लीप पैरालिसिस होता है जैसे कि जब हम सो रहे हैं ना, सो के उठते हैं, तो जैसे किसी किसी पेशेंट्स वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जैसे उठे तो उस समय कुछ बोल नहीं पाएंगे, हिलडुल नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या ऐसा टर्म क्या दिया गया, स्लीप पैरालिसिस। तो उन्हें ऐसा पैरालिसिस आ गया सो के जब उठ रहे हैं उस समय कुछ देर के लिए, तो ये क्या हो गया, स्लीप पैरालिसिस। अगर पॉन्स अगर डैमेज हो गया तो इसमें ये देख इट कैन कॉज स्लीप पैरालिसिस। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हो गए पॉन्स को। नेक्स्ट वी विल कवर मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज मेडुला। बिफोर कवरिंग दैट लेट अस सी व्हाट इज थॉट फॉर द टुडे। आज क्या है, आज माइंड, योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो है ना वही आप बनते हो। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन आवर थिंकिंग, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, ठीक है। तो यू शुड नेवर गिव अप योर ड्रीम, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड यू शुड कंप्लीट इट, है ना। वी शुड ऑलवेज बिलीव इट, डू नॉट लूज, एंड वी हैव टू बिकम द विक्टर ऑफ आवर लाइफ। तो याद रखना है माइंड को, हमारा जो भी हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, ठीक है। तो अच्छी सोच विचार रखिए ना, सिलेक्शन लेके रहना है, झंडा गाड़ के रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आ गया टॉपिक, मेडुला, है ना। पॉन्स मेडुला सेरिब्रम तीन पार्ट्स है हाइंड ब्रेन के, तो पॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना, जिसे कि सिंपली मेडुला भी कहा जाता है। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नीचे लोकेटेड है, देखिए दिस इज द आवर पॉन्स, ये पॉन्स है ना, ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ये पॉन्स है, और ये नीचे क्या हो गया, ये इसका लोअर। तो पॉन्स कहाँ पे लोकेटेड है, मेडुला के, सॉरी पॉन्स मेडुला कहाँ लोकेटेड है, पॉन्स के नीचे। मेडुला कहाँ लोकेटेड है, पॉन्स से नीचे, और उसके पोस्टीरियर साइड में सेरिबलम होगा, और उसके पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही ब्लड रिच होता है, वैस्कुलर होता है, एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोला जाता है इसको, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। पोस्टीरियर पीछे की तरफ है ना, कोरॉइड प्लेक्सस एक एंटीरियर में भी प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल के पास, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल के आसपास में कहाँ पे, मेडुला के पास प्रेजेंट क्या होता है बताइए, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। इसका फंक्शन क्या होता है, इट विल सिक्रीट CSF, फॉर्मेशन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका फंक्शन है सिक्रीशन, ठीक है। तो ये एक मेडुला का पास एक लोकेशन है, इसके बारे भी याद रखिएगा, ठीक है। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, इट आल्सो कंटेन्स कार्डियक और रेस्पिरेटरी सेंटर, इसके पास यहाँ पे भी लोकेटेड होता है। तो इट विल आल्सो डील विद द ऑटोनॉमिक फंक्शन, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर क्या फंक्शन करेगा बताइए, सांस लेने में, ब्रीदिंग के लिए, है ना। कार्डियक सेंटर हार्ट रेट के लिए कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड से रिलेटेड कार्डियक सेंटर, तो इट विल ऑल्सो फंक्शन इन स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। और इसके अलावा रिफ्लेक्स सेंटर्स भी होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करता है ना, जो सोचिए ना, स्वालोइंग, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग, कफिंग, सब से ना, जो भी खांसना, उल्टी आना, सलाइवेशन, थूकाना, लाराना, जो भी निगल रहे हैं, सारा सबका जो सेंटर है वो कहाँ पर होता है, मेडुला। तो मेडुला को भाई संभाल के अच्छे से इसमें रखना है ना, ब्रेन हमेशा, इसीलिए प्रोटेक्शन में क्या दिया हुआ है इसका, भगवान ने क्या दे दिया है, ऊपर वाले ने क्रेनियम दे दिया है, क्या दे दिया है, क्रेनियम, ब्रेन का बॉक्स है जिसमें कि वो कवर्ड है, इसका जो और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होता है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द सेरिबेलम। व्हाट इज सेरिबेलम, सेरिबेलम का एक्चुअल मतलब क्या है, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग मूवी में भी है, नाना पटेकर बोलते रहते हैं नफवाइस राहुल को छोटे दिमाग में नहीं मारो, है ना, कान के पीछे वाला एरिया, तो उसे क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, व्हाट इट इज कॉल्ड, सेरिबेलम, डू नॉट कंफ्यूज विद द सेरिब्रम, है ना। सेरिबेलम है, इट स्टैंड्स फॉर लिटिल ब्रेन, है ना, सारे वर्टिब्रेट्स के हाइंड ब्रेन
का ये मेजर फीचर है। और अगर बात किया जाए अगर पार्ट्स की लार्जर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट इसका गिनती आता है किसमें, ब्रेन का पार्ट में सबसे लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सेरिबेलम। इसके कंपोनेंट, इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दो, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का ऐसे बना हुआ है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का बना हुआ है और बीच में एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्मिस। ठीक है, तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया इसका, सी एच लिख दिया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया और बीच में क्या है, वर्मिस। दिस इज सेंटर में लोकेटेड है वर्मिस। तो उसके पार्ट्स हो गए, तो दो लैटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर है लैटरल साइड में और सेंटर में एक वर्म शेप का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज वर्मिस। ठीक है, यू कैन सी ओवर द कलर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं दो हेमिस्फीयर है। तो दिस इज द ऑरेंज कलर में, अगर लोब्यूल की बात किया जाए ना, लोब भी इसके अंदर, लोब भी है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया ऐसा बना हुआ है, दो हेमिस्फीयर ऐसा है, इधर से हेमिस्फीयर है, बीच में वर्मिस है और इसमें कुछ ना फिशर बने रहते हैं। फिशर मतलब क्या होता है, गड्ढा है ना, कुछ नारा जैसा गड्ढा कुछ बना हुआ है जिसके कारण ये कुछ लोब्स में भी डिवाइड हो जाता है। तो लोब में क्या आता है, एंटीरियर लोब होते हैं और पोस्टीरियर लोब होता है, एक और फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब। ठीक है, लोब में भी डिविजन है ना, पार्ट्स एक बताने का तरीका है क्या, लोब के रूप में। ठीक है, तो लोब में एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है और फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब है। एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब प्राइमरी फिशर से डिवाइडेड है और फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब, फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में पोस्टीरियर फिशर प्रेजेंट है। देयर इज वन हॉरिजॉन्टल फिशर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन इन द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, हेमिस्फीयर की बात किया जाए तो तीन पार्ट है, जैसे कि इस तरफ भी एक ये हेमिस्फीयर हो गया, ये भी एक हेमिस्फीयर हो गया, तो हेमिस्फीयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, तो भी राइट हो गया, लेफ्ट हो गया और एक सेंटर में वर्मिस। तो ये पार्ट्स के नाम याद रखना है, तीन पार्ट्स हो गए, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और वर्मिस। ठीक है, लोब की बात किया जाए तो क्या, एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है और फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब। लैटरल व्यू में भी देख सकते हैं, लैटरल व्यू के रूप में भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंटीरियर में क्या है, येलो कलर का, दिस इज द एंटीरियर लोब, दिस वन इज द एंटीरियर, एंटीरियर लोब बना हुआ है ये येलो कलर में, पोस्टीरियरली ग्रीन कलर में शो कर रहा है, दैट इज द पोस्टीरियर लोब है ना, पोस्टीरियर लोब यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द पोस्टीरियर लोब, दिस इज द पोस्टीरियर लोब। ब्लू कलर में ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज आवर फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब, दिस इज आवर फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब, फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब। ठीक है, फ्लॉक्युलो नोड्यूलर लोब, तो तीन लोब ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आता है, कैसे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कैसे लोकेटेड है ना, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर किसके कारण बोला जाता है, याद है सेरेब्रम में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि किनारे पे आउटर बॉर्डर पे सेल बॉडीज लोकेटेड होता है, वो ग्रे कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ निस्ल ग्रैन्यूल्स, निस्ल ग्रैन्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से इट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। तो यहाँ पे जैसे सेल बॉडीज लोकेटेड है और इसका एक्सॉन नीचे जा रहा है, सेल बॉडीज है और एक्सॉन नीचे जा रहा है, सेल बॉडीज है और एक्सॉन नीचे जा रहा है, तो किनारे बॉर्डर की तरफ किनारे किनारे ग्रेइश कलर हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ सेल बॉडीज, तो ये ग्रे मैटर कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर, दिस इज अबाउट सेरिब्रम। सिमिलरली इसके अंदर भी बाहर की तरफ सेरिबेलम में, दिस इज सेरिबेलम, सेरिबेलम में भी बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, ग्रे मैटर विच विल बी मेड अप ऑफ मेनी सेल बॉडीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निस्ल निस्ल ग्रैन्यूल्स, ये ग्रे कलर का दिखता है। और जो टूवर्ड्स द जैसे कि बाहर की तरफ ये है और नीचे अंदर की तरफ इस तरह ऐसा इसका लोकेशन है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा विच विल रिप्रेजेंट कॉल्ड एज ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो किनारे किनारे क्या है, ग्रे मैटर होगा, दिस इज द ग्रे कलर का ग्रे मैटर, और जो एक्सॉन है माइलिनेटेड होता है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वाइट मैटर, क्या बोला जाएगा इसको, वाइट मैटर। तो इस तरह आपको जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो वाइट कलर का बहुत सारा ब्रांचिंग जैसा ब्रांच ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वाइट मैटर, दैट इज कॉल्ड एज
आर्बर विटे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। आर्बर विटे इज फॉर्म बाय द व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर का कैसा स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक अपियरेंस देता है ये ब्रांच, ट्री लाइक अपियरेंस, जो कि इट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर ऑन द आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर ऑन द इनसाइड। व्हाइट क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। चलिए, माइलिन शीट से कवर्ड है, माइलिन शीट माइलिन प्रोटीन्स का बना होता है, जो माइलिन इट इज व्हाइट इन कलर। तो ये क्रॉस सेक्शन जब हम देखते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ सेरेबेलम करेंगे तो आर्बर विटर हमें दिखेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। एंड ब्रेन में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज परकिंजे न्यूरॉन या फिर परकिंजे सेल्स भी कहा जाता है। एक सेल होता है जो कि सेल बॉडी उसका फ्लास्क शेप का होता है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, देयर मेनी मेनी लॉट्स ऑफ मेनी मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, बहुत ज्यादा उसके ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं और इसका एक सिंगल एग्जॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल एग्जॉन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह का जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये जो फ्लास्क शेप का सेल बॉडी है और एक बहुत सारे मेनी ब्रांचेस, तो ऐसा स्ट्रक्चर पर्टिकुलर न्यूरॉन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका क्या बोला जाता है, परकिंजे फाइबर्स। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन कंट्रोलिंग आवर मोटर मूवमेंट। जो मोटर मूवमेंट है यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है, मोटर मूवमेंट मतलब कि मसल्स का जो भी मूवमेंट हो रहा है, स्केलेटल मसल हो गया ना, स्मूथ मसल हो गया, वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट है ना, मोस्टली वॉलंटरी मूवमेंट को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करने का इसका ये फंक्शन है। तो ये सेल अगर डैमेज हो गए तो दिक्कत हो सकता है, तो ये याद रखना। परकिंजे फाइबर्स दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल्स प्रेजेंट इन द सेरिबेलम। लोकेशन याद रखना है ना, एग्जाम में आएगा तो कहाँ परकिंजे सेल्स कहाँ जाए, डू नॉट कंफ्यूज इट विद द परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए, परकिंजे फाइबर्स कंडक्टिंग सिस्टम में होता है, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, हार्ट के वॉल में मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, परकिंजे सेल्स कहाँ किस में है, ब्रेन में ना, सेरिबेलम में, ब्रेन का भी कौन सा पार्ट में, सेरिबेलम। तो डू नॉट कन्फ्यूज विद द ना, तो एमसीक्यूज में ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। सेरिबेलम में क्या है, परकिंजे सेल्स है, हार्ट में क्या है, परकिंजे फाइबर्स, ओके, डू नॉट कन्फ्यूज बोथ दीज टर्म्स। चलिए, फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, मेन जो इसका वॉलंटरी मूवमेंट है ना, इसीलिए ये वॉलंटरी मूवमेंट के लिए काम करता है, परकिंजे सेल्स वगैरह प्रेजेंट है। तो जैसे कि रनिंग हो गया है ना, वॉकिंग, टाइपिंग हो गया, इवन टॉकिंग वगैरह, बात करने में भी है ना, मसल्स जो हमारे फेशियल मसल्स वगैरह, इसके मूवमेंट में सबका उसका बहुत योगदान होता है, याद रखना है सेरेबेलम के बारे में, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम है ना, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मोटर मूवमेंट को, तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर जो हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसके उससे भी डिपेंडेंट है, ठीक है, वहाँ से भी उस रिलेटेड है वो। चलिए, इट ऑल्सो मेंटेन्स आवर पोस्चर, मोटर लर्निंग यानी कि इसका कनेक्शन होगा है ना, पोस्चर वगैरह, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ये सब है ना ईयर के फंक्शन है, तो इसका दोनों का रिलेशन है, एक समन्वय, एक बैलेंस बनाए रखता है ना, इम्पल्स यहाँ से वहाँ कंडक्ट होता है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। पोस्चर हो गया है ना, मोटर लर्निंग, इवन वेरियस टाइप्स ऑफ जो लर्निंग होता है उसमें भी मदद करता है, मोटर लर्निंग हो गया है ना, कैसे क्या चलना है, घूमना फिरना, इवन मोस्टली इन द अर्ली स्टेजेस, जो भी हमारे लाइफ के अर्ली स्टेजेस है, जो अर्ली स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, हम लोग जब सीखते हैं कैसे चलना है, घूमना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, सोना है ना, या फिर कुछ भी सीक्वेंस याद करते हैं ना, जब बच्चे लोग सीखते हैं ना 1 2 3 4 ABCD सीक्वेंस, तो ये सब जिसके अंदर वेल डेवलप ज़्यादा है वो जल्दी सीख जाएंगे सेरेबेलम, जिसमें कम है तो वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये सेरेबेलम मोस्टली दे ऑल्सो प्ले ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो रिफ्लेक्स मेमोरी भी मेंटेन करता है ना, जो कि हमारा ऑटोमेटिक मेमोरी जो काम करता है, ज़्यादा जिसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर एक और चीज़ है जो कि याद रखना है, जो अल्कोहल बहुत लोग जो पीते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं, दारू जो खूब पीते हैं,
तो उनको तो देखेंगे कैसा हो जाता है ना, जो क्लम्सी मूवमेंट हो जाता है, जैसे तैसे लंगड़ते पकड़ते रहते हैं, मुंह में गिरते पड़ते रहते हैं, बोल नहीं पाते, जैसे तैसे पुतलाहट आ जाती है, बोलने में आवाज भारी हो जाती है, चेंजेस हो जाती है, स्वेलो नहीं कर पाते, उल्टी वॉमिटिंग होने लगती है ना, आंख जैसे मूव कर रहा होता है, आई मूवमेंट्स होने लगते हैं, तो ये सब सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? बिकॉज सेरेबेलम के अंदर जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, स्पेशली जो परकिंजे सेल्स होते हैं, परकिंजे सेल्स दे गेट डैमेज है ना, पर लॉन्ग टर्म यूज होगा तो परकिंजे सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, तो बहुत ही वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसको ठीक करना। ठीक है, तो सेरेब्रल एटैक्सिया क्या है? सेरेब्रल एटैक्सिया ये टर्म जो दिया गया, दैट इसके अंदर मसल कंट्रोल हमारा पुअर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एटैक्सिया। फिर वो जब वोलेटाइल, फिर वो जब चला जाता है हमारे बॉडी से, फिर वो उसके बाद स्लोली स्लोली वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सेरेब्रल एटैक्सिया क्या होता है? एक्सेसिव अल्कोहल एक्सपोजर के अंदर छोटा दिमाग हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, याद रखना, मोटर मूवमेंट गड़बड़ा जाता है, तो उसी से लड़खड़ाने लगता है, लोग बड़बड़ाने लगता है, पागलपंती करने लगते हैं, इसीलिए डू नॉट टेक अल्कोहल, ये भी संदेश आज लेते जाइए। चलिए, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद द क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर ओझा बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।